नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अगस्त सुबह 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्रीगंगानगर जिले में कल कोरोना के 21 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रविवार 2 अगस्त को घड़साना से 6 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा सेतिया कॉलोनी के गली नंबर 7 व बालाजी स्टेट कॉलोनी में एक एक पॉजिटिव, गांधीनगर वार्ड नंबर 37 में एक, एल ब्लॉक में एक, वार्ड नंबर 13 रवि चौक में एक, प्रभु चौक पुरानी आबादी में 3, विनोबा बस्ती मदन विहार अगरसे नगर ढींगड़ा स्ट्रीट पुरानी आबादी नंद विहार सेतिया फार्म की गली नंबर 2 और साधुलशहर के वार्ड नंबर 12 में एक एक पॉजिटिव मिला है। जयपुर के कालवाड़ इलाके में गुमशुदा युवती को बंधक बनाकर पिछले 8 माह तक देह शोषण का मामला सामने आया है। गुमशुदगी दर्ज युवती को पुलिस तलाश कर रही थी। रात को पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस की ओर से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम लापता युवती की तलाश कर रही थी। परिजनों के साथ युवती थाने पहुंची, पीड़िता के दस्तयाब होने का पता चला, लेकिन पीड़िता ने बयानों में बताया कि करीब 8 माह तक बंधक बनाकर आरोपित शंकर ने उसके साथ देह शोषण किया। राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में युवाओं को उच्च शिक्षा के भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले 2 बजट में नए कॉलेज खोलने, कॉलेजों को कर्मोन्नत करने व स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा देने की महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए यह फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री ने इन निर्णयों की त्वरित क्रियान्वयन पर जोर देते हुए 37 नए महाविद्यालय इस शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुरू करने का निर्णय लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय समीक्षा परीक्षा 2019 की परीक्षा आज रविवार को 2 पारियों में हुई। पहली पारी में हुई पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय में 827 में से 432 उपस्थित हुए, 395 अनुपस्थित रहे, मतलब 52.23% उपस्थित और 47.76% अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार दूसरी पारी में पशु चिकित्सा अधिकारी पद की परीक्षा में 219 में से 190 उपस्थित, 29 अनुपस्थित रहे, 86.76 उपस्थित, 13.14 अनुपस्थित रहे। चूरू जिले में एक बुजुर्ग दंपति पर तलवार से जानलेवा हमला हो गया। जानकारी के अनुसार कुंसीसर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। हमले में बुजुर्ग दंपति घायल हो गए। घायलों को राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रेल मंत्रालय द्वारा देश में अगले कुछ सालों में निजी ऑपरेटर से ट्रेन संचालन शुरू करवाने के साथ ही उन ट्रेनों के मेंटेनेंस की तैयारी की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यार्ड वॉशिंग लाइन के लिए अलग जमीन तलाशने को कहा है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों से कहा है कि इन ट्रेनों के आरंभिक व आखिरी स्टेशनों को चिन्हित कर रेलवे बोर्ड को बताया जाए। इसके साथ ही मौजूदा रेलवे की वॉशिंग लाइनों में 2 घंटे का समय इनके लिए रखा जाए। रेलवे ने देश भर में रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर से बांटकर 109 रूट पर निजी ट्रेनों को चलाने का मसौदा जारी किया है। अलवर जिले के तिजारा कस्बे के सीओ कुशाल सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट ने तत्काल निलंबित, विभागीय कार्रवाई के साथ साथ मेजर पेनल्टी लगाने के भी आदेश जारी किए हैं। जस्टिस एसपी शर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए मुनफिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि जांच अधिकारी कुशाल सिंह सह आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही नाबालिग पीड़िता की उम्र भी अधिक मान रहे थे। दौसा जिले में एक ही परिवार की महिला के साथ दुष्कर्म व परिवारजनों पर बार बार हमले के बाद भी पुलिस सुरक्षा नहीं मिली और न ही उनकी सुनवाई हुई। आखिरकार पीड़ित परिवार को गांव छोड़कर महुआ में शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा। अब पीड़ित और उसके परिजनों ने राजस्थान हाईकोर्ट में मदद की गुहार लगाई है। अब हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर आपराधिक और विभागीय कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि पीड़िता की FIR दर्ज करवाने के बाद ही पूरे परिवार पर उसी दिन हमला हुआ। FIR के तीसरे दिन उनका घर जला दिया गया, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी और परिजनों को गाँव भी छोड़ना पड़ा। सीएम गहलोत आज वापस जयपुर से जैसलमेर पहुंच गए हैं। जैसलमेर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 20 अगस्त को राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर अब राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। इसमें प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। इससे गरीबों को 8 रुपए में शुद्ध व पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस साल 4,67,00,000 लोगों को भोजन मिलेगा। सभी 213 निकायों में 358 रसोइयों का संचालन होगा। सरकार प्रति थाली 12 रुपए अनुदान करेगी।
दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर फिर से वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आज रविवार को पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच कर 3 बाइक बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी अजय सिंह जाट निवासी नरोली और रोहिताश सिंह जाट निवासी अगावली जिला भरतपुर को दबोच लिया। आरोपियों ने पूछताछ में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया। फिलहाल 3 बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। शिक्षा विभाग ने ब्लॉक स्तर पर गठित 167 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश के कार्यक्रम में संशोधन किया है। 167 ब्लॉक व अन्य 4 राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में आवेदन अब 10 अगस्त तक किए जा सकेंगे। स्टूडेंट्स का प्रवेश लॉटरी से होगा। कक्षा 1 से 8 के लिए लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। विभिन्न कक्षाओं में स्वीकृत अधिकतम सीटों के अनुरूप ही प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 में 30, 6 से 8 में 35, 9 से 12 में 60 स्टूडेंट्स प्रति सेक्शन निर्धारित किए गए हैं। बीकानेर जिले के रावला गांव के 2 घरों से अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की। चोर इन मकानों से सोने और चांदी के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए। चोर पहले गीता देवी सारस्वत के घर में दीवार फांदकर घुसे। अलमारी का लॉक तोड़कर 7,000 रुपये, सोने के 2 ओम, 2 मूर्त, 2 बाली, 2 नोजपिन, 2 लूंग, 4 मोती, 1 बिंती व चांदी की 4 पैजेब, चांदी की 4 चूड़ियां ले गए। इसके बाद चोरों ने 1 किलोमीटर दूर अनिल कुम्हार के यहाँ धावा बोलकर नकदी सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए। प्रदेश में गुजरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा ने 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके जरिए अब अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। सीएम अशोक गहलोत की पहल से गुजर, रायका, रेबारी, गाडिया, लोहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में विधायकों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। शहर के बाहर होने की वजह से यहां मोबाइल नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा। ऐसे में विधायकों को अपने परिवार और काम से संबंधित बात करने के लिए परेशानी हो रही है। सभी को कमरों से बाहर आकर ही बात करनी पड़ती है। जैसलमेर की तेज गर्मी भी परेशान कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा है और उससे अपील की है कि बदलती परिस्थितियों में एक बार फिर से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। गहलोत ने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 महामारी से देश की लड़ाई निर्णायक दौर पर पहुँच चुकी है। सभी राज्यों की अपनी पूर्ण शक्ति, सामर्थ्य और संसाधनों से कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास किया है। ऐसे कठिन व चुनौतीपूर्ण समय में जब हम सबका सामना एक विकराल आपदा से हो रहा है, उस वक्त पिछले कुछ महीनों से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के माध्यम से सार्थक संवाद किया गया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.